शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, आज कोटा में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया वहां पर पुलिस की तरफ से, इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर पानी की बौछार डाली गई। बीजेपी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने ये आज घेराव और प्रदर्शन किया। कोचिंग सिटी कोटा में ये आज प्रदर्शन किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी किस तरह से वहां पर पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस के ये कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस की जिम्मेदारी होती है मोर्चा संभालना होता है कि एक तय जगह से आगे बैरिकेडिंग करके जो एक लक्ष्मण रेखा तय कर दी जाती है उससे बढ़ने ना दिया जाए किसी भी प्रदर्शनकारी को। और जब ये प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने इनके ऊपर पानी की बौछार भी की। कांग्रेस ने प्रदर्शन प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर, पेयजल को लेकर और कानून व्यवस्था समेत नीट परीक्षा की धांधली को लेकर किया है। और इस प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल। पानी और नीट जो कि पूरे देश भर में फिलहाल चर्चा का विषय है, इसको इन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदेश सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस का आज कोटा में बड़ा प्रदर्शन। पीसीसी अध्यक्ष खुद गोविंद सिंह डोटासा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और तमाम कांग्रेस के दिग्गज हाड़ौती के इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन भिड़ंत पुलिस से भी हो गई। सर, मंच सजा था जिसके बाद कलेक्ट्री जा रहे थे, पुलिस से भी भिड़ गए, मुद्दे बड़े थे, सरकार को आप घेर रहे थे। देखिए, 6 महीने से ये सरकार फेल है, लाइन ऑर्डर पे भी फेल है, अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, समीक्षा के नाम से अपना टाइम पास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो गया उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकारें कुछ कर नहीं पा रही हैं, 25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में कुठाराघात हुआ है, प्रमाणित हो गया, और अगर प्रमाणित नहीं होता पेपर लीक तो FIR कैसे होती? बिहार में और गुजरात में इनकी सरकारें हैं, फिर FIR क्यों होती? और CBI को जांच क्यों देते अगर इनको गड़बड़ नहीं लगता तो? पानी मिल नहीं रहा है, त्राईमाम कर रहे हैं, माताएं बहनें रो रही हैं, जो बिजली है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, बिजली का यहाँ का मंत्री है केवल बातें करते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं। आज का प्रदर्शन, क्या आपकी प्रतिक्रिया, ओवरऑल कमेंट आपका? देखिए, प्रदेश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, नए मुख्यमंत्री जी कुछ कर पा रहे हैं, नए पूरा मंत्रिमंडल कर पा रहा है। आप ये देखिए, बिजली पानी सबसे पहली ज़रूरतें हैं, दोनों में फेल हो गई सरकार, स्वास्थ्य में फेल होगी सरकार, शिक्षा में फेल होगी सरकार। नहीं, प्रदर्शन रहेंगे, हम तो जनता के साथ हैं, जनता ने हमें चुना है और विपक्ष में बैठाया है, उसको भी हम स्वीकार करते हुए जनता की हर लड़ाई को सदन में भी और सड़क पे भी लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली को, आज के प्रदर्शन के साथ में हर लोकसभा स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेंगे और तेजी से देखने को मिलेंगे और इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस और मुखर होती हुई नजर आएगी। हिमांशु मित्तल, News 18 कोटा। और आज उत्तर प्रदेश के मथुरा के ब्रज में संतों महंतों धर्माचार्यों की महापंचायत हो रही है। यह महापंचायत कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बुलाई गई। बरसाना में रमेश बाबा के रस मंडप गह बरवन में ये महापंचायत आयोजित की गई है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राजा राधा रानी के जन्म को लेकर और उनके रहने की जगह पर एक बयान की वजह से दिया गया था, जिस पर यह विवाद खड़ा हो गया और मथुरा के संत उनके इस बयान से नाराज हैं। संतों महंतों धर्माचार्यों ने इस मामले पर SSP से FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं प्रेमानंद महाराज ने भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा को नसीहत दे दी थी और बहुत नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फोन पर सुलह करा दी थी, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज पर भी ब्रज के संतों में आक्रोश है। संतों का ऐलान है कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी मांगे, तब जाकर विरोध खत्म होगा। इसके अलावा ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की भी चुनौती दी है। हालांकि इस महापंचायत चर्चा के बाद धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर प्रदीप मिश्रा को दंड भी सुना सकते हैं। टोंक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर बताते हुए डोटासा ने कहा कि जिस शख्स पर इतने मुकदमे दर्ज हों उसे मंत्री बनाकर बीजेपी और RSS ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है।
सारे लोग मिले हुए हैं, इसलिए इसको ये कार्रवाई नहीं कर रहे। इतने दिन गुजरने के बाद में भी पेपर अभी निरस्त नहीं किया गया है। मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ बड़ा बयान। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का हमला। मदन दिलावर को डोटासरा ने बताया हिस्ट्री शीटर। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बना करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष उत्साह में है और बयानबाजी का सिलसिला बढ़ गया है। इसी कड़ी में गोविंद सिंह डोटासरा ने टोंक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बड़ा हमला किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर बताया है। 14 मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हो, आपराधिक रिकॉर्ड हो, कायदे से तो हिस्ट्री शीट खोलनी चाहिए उनके खिलाफ। क्यों नहीं खोल रहे, मेरे समझ से परे है। हाई कोर्ट में उन्होंने अपने गिरफ्तारी के ऊपर स्टे ले रखा है। वो हाई कोर्ट में हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट जल्द सुनवाई करके और उस स्टे को हटाए जिससे वो जेल के सलाखों के पीछे हो। नीट पेपर मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, देश भर में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, राजस्थान और देश का युवा आक्रोशित है, आखिर सरकार परीक्षा रद्द क्यों नहीं कर रही है। नीट के पेपर आउट हो गए, उसके लिए बच्चे रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। इन्हीं के अलायंस के जो बिहार की सरकार चल रही है, वहां पर उनका उप मुख्यमंत्री कह रहा है सीबीआई को जांच देती, दो दो एफआईआर हैं सीबीआई को देती, तो फिर बच क्या गया। जब आप परीक्षा को निरस्त मान रहे हो, गड़बड़ी मान रहे हो, और गड़बड़ी मान रहे हो तभी सीबीआई को जांच दी है, तो फिर आप निरस्त क्यों नहीं कर रहे हो। मौका था जयपुर से कोटा जाते वक्त टोंक में रुकने का। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान 5 सीटों पर उपचुनाव के मुद्दे पर उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। 5 जो सीटें हैं वो इंडिया अलायंस की है, 5 सीटें, तो मैं समझता हूं कि हम 5 सीटें जीतेंगे। हमने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कल एक कमेटियां बना दी हैं। कांग्रेस के संगठन को वहां पर ब्लॉक, बूथ, मंडल लेवल उसके ऊपर मजबूत करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे। बयानबाजी का सिलसिला जारी है। विपक्ष सरकार को बिजली, पानी और सुरक्षा के मुद्दे पर घेर रहा है। इसी बीच डोटासरा का शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को हिस्ट्री शीटर सियासत को गरमा सकता है। अब देखना यह होगा कि इन आरोपों का सत्ता पक्ष किस अंदाज में जवाब देता है। टोंक से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 27 जून को प्रस्तावित झुंझुनू दौरे की तैयारियों को लेकर अविनाश गहलोत ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और मीटिंग में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, जिलाध्यक्ष बनवारी सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी ने एक बटन दबाकर हजारों करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में पहुंचाई थी, उसी तरह चुनाव में किए गए वायदे को पूरा करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश के करीब 81 लाख पेंशनर्स के खाते में एक बटन दबाकर बढ़ी हुई पेंशन राशि पहुंचाएंगे। इसके 2 दिन बाद ही बढ़ी हुई किसान सम्मान निधि भी किसानों को दी जाएगी। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का आगामी 27 जून को इसी झुंझुनू पर एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां चुनाव पूर्व का किया गया एक और वादा पूरा कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 15% बढ़ाकर राजस्थान के लगभग 81 लाख लाभार्थियों के खाते में एक बटन दबाकर दो राशि दी जाएगी। इसलिए झुंझुनू की विरोधी धरती को उन्होंने चुना है कि झुंझुनू की धरती से ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान में होगा और लगभग 81 लाख लोगों को पेंशन की राशि वितरित की जाएगी। और इससे पहले राजसमंद पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा का अगरिया हेलीपैड पर स्वागत किया गया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने उनका स्वागत किया। सीएम विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर निवास के लिए रवाना हुए।
तो तस्वीरें में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजसमंद हेलीपैड पर वहां पर पहुंचे और इस दौरान अगरिया हेलीपैड पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से राजसमंद विधायक दीप्ति महेश्वरी ने उनका स्वागत किया। सीएम विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के निवास के लिए यहां से फिर रवाना। बीकानेर में बिजली कटौती पर आक्रोश देखने को मिला, जहां जोधपुर डिस्कॉम के एईएन दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस की मौजूदगी में यह तोड़फोड़ हुई है। पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीकानेर की हैं ये तस्वीरें, जहां पर बिजली कटौती पर लोगों का गुस्सा इस तरह से देखने को मिला, आक्रोश देखने को मिला, जहां पर जोधपुर डिस्कॉम के एईएन दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। बिजली आपूर्ति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और ग्रामीणों ने ऑफिस में खूब तोड़फोड़ भी की। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में तोड़फोड़ हुई। पुलिस कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन लोगों का गुस्सा ज्यादा था और तोड़फोड़ करने पर ये लोग आमादा दिखाई दिए। पुलिस फोर्स मौके पर फिलहाल तैनात है और स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे, आक्रोशित थे बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर। राजसमंद में एक मौत पर बवाल हो गया। कमलेश भील की संदिग्ध मौत के मामले में अपडेट आई है। एसपी ऑफिस के बाहर भील समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। पुलिस कार्रवाई ना होने से लोगों में नाराजगी है। भील समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। पुलिस पर कार्रवाई ना करने का इन्होंने आरोप लगाया है। पुलिस पर जांच में ढिलाई बरतने का इनकी तरफ से आरोप लगाया गया है। परिजनों का हत्या के बाद शव खेत में फेंकने का आरोप है। मामले की जल्द से जल्द खुलासे की मांग की जा रही है। जांच की जाए और जल्द से जल्द खुलासा किया जाए कि आखिर हुआ कैसे है ये, और आरोपियों को पकड़ा जाए। ये मांग है लगातार इन लोगों की। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में एक कुत्ता मुंह में इंसान का हाथ लेकर वहां घूमता हुआ नजर आया। ये देखकर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और उनके परिजन चौंक गए। लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड को इसकी सूचना दी। हॉस्पिटल से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 30 मिनट बाद पुलिस ने कुत्ते के मुंह से कटे हुए हाथ को रिकवर कर लिया। बाड़मेर और जोधपुर रेंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 15 साल से फरार चल रहे 1,00,000 रुपए के इनामी अपराधी जस्सा राम को गिरफ्तार किया है। जोधपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन मोना चलाकर मादक पदार्थों के कुख्यात तस्कर जसाराम को धर दबोचा। इस गोरखधंधे में शामिल एक ड्राइवर और 2 मैकेनिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन मोना की जाल में फंसा जस्सी। पंद्रह साल से फरार था मोस्ट वांटेड। बेटे की एक आदत के चलते पकड़ा गया शातिर। पिछले 15 साल से 3 बार पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाला मोस्ट वांटेड इनामी तस्कर आखिरकार पुलिस ने फिल्मी अंदाज में उसे गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर और जोधपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन मोना के तहत जस्सा राम को धर दबोचा। बाड़मेर पुलिस के सहयोग से कल हमने बड़ी सफलता अर्जित की। जब 15-20 साल से फरार 1,00,000 रुपए के इनामी ख्यात दुर्दांत अपराधी जस्सा राम उर्फ जस्सी को नाटकीय अंदाज से गिरफ्तार करके उसके आपराधिक अध्याय का पटाक्षेप करने में बड़ी सफलता अर्जित हुई है। पिछले 2 महीने से पुलिस पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े मादक पदार्थ के मोस्ट वांटेड और 1,00,000 से अधिक के इनामी तस्कर जस्सा राम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चला रही थी। अपराधी पर 1 दर्जन से अधिक एनटीपीएस के मामले दर्ज हैं। शनिवार रात को साइक्लोन टीम और बाड़मेर पुलिस ने चंदन नगर में दबिश देते हुए फिल्मी अंदाज में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पहले से हम लोगों ने ऑपरेशन मोना चला रखा था इस अपराधी के खिलाफ मुहिम छेड़कर। मोना यानी मोस्ट वांटेड इन नार्कोटिक्स मोना, और इसका नाम जस्सी भी था। तो जस्सी यानी जस्सी जैसी कोई नहीं, एक सीरियल हुआ करता जिसमें मोना सिंह अभिनेत्री हुआ करती थी। तो कूट नाम ऑपरेशन मोना दिया गया था
गोपनीयता की दृष्टि से। 2 महीने से हम लोग उस पर काम कर रहे थे, 2 महीने की मेहनत कल अंतिम रूप से रंग लाई। पुलिस की माने तो ऑपरेशन मोना के तहत बाड़मेर शहर के बलदेव नगर में पुलिस ने उसके घर की रेखी की, 2 जवानों को घर के पास किराएदार बनाकर रखा। इस दौरान पूछताछ में उसकी पत्नी ने कुछ ऐसा बताया जो पुलिस के लिए कामयाबी की सीढ़ी बन गया। पुलिस ने जसाराम की पत्नी पर भी नजर रखी शुरू कर दी। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि मेरा बेटा ऐसे खाना नहीं खाता, ये बाप के आने पर बाप के हाथ से ही खाना खाता है। और उस दिन हमारी टीम की आंखों में चमक आई, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट रहा, हेलमेट था, आधुनिक AK-47 हथियार थे, पूरी घेरेबंदी करके उसको ललकारा, जो आपने वीडियो में देखा है कि आत्मसमर्पण करने को। तो मुकाबला करने के लिए दोनों व्यक्ति छत पर आए और हाथों में पिस्टल लेकर आए, बट जब पुलिस की मजबूत घेरेबंदी मोर्चा देखा तो इनकी हिम्मत जवाब दे गई और इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। जसाराम का बेटा उसके हाथ से ही खाना खाता है, ये बात पुलिस की जांच में अहम कड़ी बनी। ड्रोन से चंदन नगर स्थित गैराज पर निगरानी रखी गई और उसके बाद मांडो टीम ने पूरे गैराज को घेर लिया और आखिर में खुद को घेरा देख उसने आत्मसमर्पण कर दिया। बाड़मेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रेम दान की रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जयपुर से, जहां मानसिकता बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। बीजेपी विधायक की कर्मचारियों को 2 टूक नसीहत इन शब्दों के जरिए दी गई है। जी हां, बीजेपी विधायक की तरफ से कर्मचारियों को यह 2 टूक नसीहत दी गई है। बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने कहा है, पहली प्राथमिकता मानसिकता बदलने की है, जो कर्मचारी मानसिकता नहीं बदलेंगे हमारी सरकार उनको बदल डालेगी। क्या कुछ कहा है देखिए, मानसिकता बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। तो यह बयान आया है बीजेपी विधायक की कर्मचारियों को दी गई 2 टूक नसीहत के जरिए, यह खबर आपको पहुंचा रहे हैं। बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने कहा है, पहली प्राथमिकता मानसिकता बदलने की है। सुन लेते हैं बीजेपी विधायक ने ये जो नसीहत दी है बिलाड़ा विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने, और कुछ क्या कहा है आप खुद ही सुना। हो गया, नेड़े हो गया, कल सीएम साहब और हमारी बात हुए 115 मिनट। हमारे उस एरिया में जितने भी हैं बाप में विचारधारा रखते हैं, नक्सलवादी का विचारधारा रखते हैं, धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम निगाएंगे, इधर उधर करेंगे, सारे हट रहे हैं अभी तो। तय हो गया, निर्णय हो गया, कल सीएम साहब और हमारी बात हुए 115 मिनट। हमारे उस एरिया में जितने भी हैं बाप में विचारधारा रखते हैं, नक्सलवादी का विचारधारा रखते हैं, धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम निगाएंगे, इधर उधर करेंगे। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर इस बीच आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली से, यह बड़ी खबर है जेपी नड्डा को। जी हां, जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज से संसद के सत्र की शुरुआत हुई है, नव निर्वाचित लोकसभा सांसदों को आज शपथ दिलाई गई। और इस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा में जेपी नड्डा को सदन का नेता बनाया गया है, क्योंकि जेपी नड्डा राज्यसभा से चुनकर आते हैं। और पिछली बार की अगर बात करें तो पीयूष गोयल पिछली बार के पिछली कार्यकाल में, या कहें कि पिछली बार राज्यसभा के सदन के नेता थे, लेकिन चूंकि अब उनका चयन लोकसभा में हो गया है तो अब जेपी नड्डा को यह बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर भीषण गर्मी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भीषण गर्मी की स्थिति पर संज्ञान लिया, एमसीडी डीडीए एनडीएमसी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। तो दिल्ली में जो नगर निगम है या जो प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, उनको निर्देश दिया गया बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं। एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी विकास प्राधिकरणों को और नगर निगमों को यह निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करें। गर्मी को लेकर खुद संज्ञान लिया है, कैसे पेड़ संरक्षण अधिनियम लागू किया जा सकता है इस पर भी विचार किया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और जयपुर से खबर यह है कि जहां प्रदेश का पहला संविधान स्तंभ विवादों में आ गया है, उद्घाटन के बाद छात्रों ने निर्माण की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। हाल ही में राज्यपाल ने स्तंभ का उद्घाटन किया था, कई आर्टिकल्स को संविधान की धारणा को उल्टा दर्शाया गया है। आर्किटेक्ट और स्तंभ का डिजाइन पास करने वाली कमेटी पर सवाल उठे हैं। आरयू के छात्रों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है, आर्किटेक्ट के खिलाफ कानून कार्रवाई की मांग की गई है।
लागत से राजस्थान की राजधानी जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी में बने हुए देश के पहले संविधान स्तंभ को संविधान की जानकारी के लिए बनाया गया था, मगर अफसोस की बात यह है कि संविधान स्तंभ के उद्घाटन के ठीक बाद ये विवादों में आ गया है। विवाद का कारण है इसके जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही निर्माण समिति ने ध्यान दिया। जो संविधान के प्रोविजन्स हैं, अलग अलग जो आर्टिकल्स हैं, उन्हें यहाँ पर गलत तरीके से दर्शाने की शिकायत जो है वो यहाँ के छात्रों ने और संविधान के विशेषज्ञों ने की है, जिसको लेकर के अब बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो यहाँ के जो छात्र संगठन है वो लगातार कुलपति से इस पूरे मामले की जांच को लेकर के और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और यहां पर उन्होंने धरना भी दिया। लगातार कोशिश कर रहे हैं वो कि इस पूरे मामले को लेकर के जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने इसके निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि वो निःशुल्क सेवाएं यहां पर दे रहे हैं, लेकिन वो निःशुल्क सेवाओं के बदले कितनी बड़ी लापरवाही, घनघोर लापरवाही जो है वो संविधान से जुड़ी वो यहां पर की गई है। संविधान की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने की बात छात्र कह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर एक पार्ट 17 का जो आर्टिकल जो गलत लिखा गया था, जिसे आधी रात को जो है वो बदलने की कोशिश की गई, लेकिन छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद में ये निशान अब यहीं पर जो है वो नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरा काम जो है वो मजदूरों के भरोसे छोड़ दिया गया, और संविधान स्तंभ जिसकी मूल भावना थी लोगों को सही ज्ञान देने की, वो भावना से भटक करके अब एक बार से ये विवादों में आ गया है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और संविधान स्तंभ में गलत जानकारी से छात्र आक्रोशित हैं। एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ता विरोध में उतर आए हैं। आर्किटेक्ट अनूप और निर्माण कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इनकी तरफ से मांग की जा रही है। संविधान में आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, जबकि संविधान पार्क में आपातकालीन उपबंध भाग 17 में कर दिया गया है। वाइस चांसलर दफ्तर के ठीक बाहर जहां पर पुलिस की चौकसी लगाई गई है, छात्रों को वाइस चांसलर से मिलने के लिए वाइस चांसलर ने पुलिस का जो है वो यहां पर बुलाया है। हमारे साथ में छात्र, उनसे बात करते हैं किस बात का गुस्सा है आप लोगों में? वो तो कह रहे हैं हम ठीक करा देंगे संविधान स्तंभ की गलतियों को। देखिए ऐसा है कि संविधान इस पार्क का निर्माण और उद्घाटन 19 जून को राज्यपाल के द्वारा किया गया। अनूप भरतिया का इतना प्रचार किया गया जो बनाया आर्किटेक्ट कि उन्होंने फ्री में इसका निर्माण किया है। उन्होंने 3 करोड़ रुपए लिए ना इस विश्वविद्यालय के, जो 3 करोड़ रुपए छात्रों का पैसा है उनको लगाया है, और उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। संविधान को ही आप लोगों ने चेंज कर दिया। कहने का मतलब संविधान की प्रस्तावना है पंथ निरपेक्ष धर्म अखंडता जैसे शब्दों का यूज नहीं किया गया। हम भारत के लोग हैं ऐसा हम शब्द को हटा दिया गया। आप खुद जाकर देखिए जो भाग है कि फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज का, उसको भी आप लोगों ने चेंज कर दिया। कहने का मतलब है बहुत सारी गलतियां हैं। जैसे आप खुद जाके देखिए इमरजेंसी प्रोविजन है जो भाग 18 में आता है उसको। महाराष्ट्र राजस्थान में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए 20 मिनट 20 खबर।